वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बनाएंगे स्पंज रसगुल्ले। इसको बनाने का परफेक्ट तरीका और मेजरमेंट आज मैं आपको बताऊंगी, जिससे इस तरह के एकदम सॉफ्ट और जालीदार रसगुल्ले बनेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें। इसके लिए मैंने यहाँ 1 लीटर टोंड मिल्क ले लिया है। इसे एक बर्तन में डाल लेते हैं। अब फ्लेम ऑन करके इसे गैस पे रख देंगे। हाई फ्लेम पे एक उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आ गया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब स्पून से दूध को चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे। दूध फाड़ने के लिए मैंने 1 कप में 2 बड़े चम्मच पानी ले लिया है। वैसे तो आप नींबू के रस से भी दूध फाड़ सकते हैं, लेकिन उससे छेना में खटास ज़्यादा आ जाती है, इसलिए मैं विनेगर यूज करना प्रेफर करूँगी। विनेगर कम भी लगता है और दूध अच्छे से फट भी जाता है। 2 बड़े चम्मच पानी में 2 बड़े चम्मच विनेगर डाल देंगे। 2 मिनट बाद विनेगर को थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और साथ साथ इसे मिक्स भी करते रहेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। देखिए दूध फट गया है और छेना भी अच्छा निकल गया है। अब इसे छान लेंगे। एक बर्तन पे छन्नी रखकर उस पे इस तरह कॉटन का पतला कपड़ा रख देंगे और इसे छान लेंगे। देखिए इसका जो ये पानी है इसे हमें फेंक देना है। अब जो छेना है इसे हमें नॉर्मल पानी से इस तरह से धो लेना है, जिससे जो हल्की फुल्की विनेगर की खटास है वो भी निकल जाए। धो लिया है, अब इसकी पोटली बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल लेना है। अब पोटली को 5 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे, जिससे थोड़ा बहुत पानी हो वो भी निकल जाए। बिना तार की चाशनी बना लेंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 कप चीनी ले लेंगे। चाशनी किसी खुले बर्तन में ही बनाएंगे। अब इसमें उसी कप से 2 कप पानी डाल देंगे। फ्लेम लो करके चीनी घुलने देंगे, जब तक आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बढ़िया छेना तैयार है। अब इसे हम इस तरह से तोड़ लेंगे। ये अभी हल्का गर्म है, इसे ठंडा नहीं होने देना। इसे हमें अच्छे से रब करते हुए सॉफ्ट स्मूथ कर लेना है। अब इसे हम हथेली से मलते हुए स्मूथ करेंगे। हल्के हाथ से रब करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। स्मूथ हो गया है। स्मूथ करना ज़रूरी है, नहीं तो बॉल्स बनाते समय क्रैक्स आ जाते हैं और रसगुल्ले फटने का भी डर रहता है। अब बाइंडिंग के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच मैदा डालकर मिला लेंगे। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। छेना तैयार है, सिरप देख लेते हैं। चीनी घुल गई है। अब हमें क्या करना है, 1 बर्तन में आधी चाशनी को निकाल लेंगे। वो क्यों ये आगे पता चलेगा। अब इसका टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। अब कढ़ाई में 3 कप पानी और डाल लेना है। फ्लेम को मीडियम करके बॉल्स बना लेते हैं। आपको जिस साइज के रसगुल्ले चाहिए उतना छेना हाथ में लेके इस तरह से बॉल बना लेंगे। इस तरह ज़्यादा प्रेस ना करते हुए हमें बॉल की शेप दे देनी है। सारे बना लिए हैं। फ्लेम को हाई कर दिया था, उबाल आ गया है। अब उबलते सिरप में ही 1-1 करके हमें बॉल्स डाल देनी है। एक साथ सारी नहीं डालेंगे। हाई फ्लेम पे 2 मिनट इसी तरह छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद इसे ढक के हाई फ्लेम पे 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं रसगुल्ले अपने साइज से डबल हो गए हैं। अब इन्हें स्पून के पीछे की तरफ से हल्का हल्का रोटेट कर देंगे। उसके बाद फिर से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे। देखिए ढक के छोड़ने पे इसमें जो झाग आ रहा है इसमें रसगुल्ले अच्छे से पक जाते हैं। हलवाई इसमें झाग लाने के लिए रीठा डालते हैं और बिना ढके ही पकाते हैं। 4 मिनट बाद देख लेते हैं, स्पंजी रसगुल्ले तैयार हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे।
अब इन्हें 5 मिनट के लिए कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। ये मैंने एक बाउल में फ्रिज का ठंडा पानी ले लिया है। अब एक एक करके रसगुल्ले को सिरप समेत बाउल में डालते जाएंगे। सिरप समेत इसलिए डालते हैं ताकि रसगुल्ले में मिठास बनी रहे, फीका ना पड़े। ऐसे ही सारे डाल लेंगे। अब इन्हें 2 मिनट ऐसे ही पानी में छोड़ देना है। जो सिरप हमने निकाल के फ्रिज में रखा था ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं 3 से 4 बूंद रोज एसेंस की डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अब रसगुल्ले को इस तरह से निचोड़ते हुए शुगर सिरप में डालते जाएंगे। देखिए सिरप में जाते ही रसगुल्ले फिर से अपने आकार में आ जा रहे हैं। सारे डाल लिए हैं। देखिए रसगुल्ला सिरप को एब्जॉर्ब करके फिर से अपने शेप में आ गया है। कितना बढ़िया दिख रहा है। एक रसगुल्ला मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ईजिली कट जा रहा है। इसका अंदर से टेक्चर देखिए कितना जालीदार रसगुल्ला बना है। है ना कितना रसीला और सॉफ्ट रसगुल्ला। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से बनाएंगे तो रसगुल्ले मार्केट से अच्छे और परफेक्ट बनेंगे। थैंक यू।